वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जी हाँ, आज कुछ मैंने इस तरीके का पहना है। और मैंने कल ही बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रही हूँ वो तो मैं आगे आज के ही व्लॉग में बता दूंगी, आगे बता दूंगी। और बैग पैक हो चुका है मेरा, पिट्ठू बैग लेके जा रही हूँ ये वाला। और ये जो कल दिखाते हैं इसमें मतलब टिकट है और थोड़ा सा अपना सामान है, आधार कार्ड वगैरह, क्योंकि वहाँ पे चेक होगा। ये मेरा खाना पैक हो चुका है तो बस। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम आज के ज़माने में, अपना मास्क डाल लिया, वॉच डाल रही है और नॉर्मल एक ट्राउज़र टाइप अच्छा सा पजामा डाल लिया है जस्ट, और कुछ नहीं है। और अन्नू से पूछते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है? मैं जा रही हूँ। कैसा लग रहा है मतलब? मैं जा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, जाना था ही नहीं। हाँ, अन्नू नहीं जा रहे, मेरे बच्चे नहीं जा रहे हैं, इन्हें छोड़ना मेरी आज बहुत मतलब एक मजबूरी टाइप, ऐसा कुछ समझ लीजिए। सो बनी हनी बाय बाय। मम्मा जा रही है, कैसा लगेगा बेटू? बहुत बोर हो जाएगा मेरा बच्चा। और उधर देखिए बनी सो रहा है और पूरा एक बज रहा है, सही बताऊं तो एक तो नहीं पूरा बज रहा, सॉरी 12:20 हो रहे हैं। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 या 2:15 ऐसी जो भी हमारा वाहन है वो चलने लग जाएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको आगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने अपनी ट्रेन में बैठ गए, अपनी अपनी सीट पे बैठ गए। तो ये मम्मी, मासी, बहन सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ ये तो अभी आपको आगे पता लग जाएगा। और ये मासी का और सिस्टर का छोटा वाला बेटा, ये आने से नहीं माने, इन लोगों को काफ़ी मना करा पर ये लोग आने से नहीं माने। और मुझे अपने बच्चों की और अन्नू की बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे रहेंगे पीछे से, क्योंकि अन्नू को तो चलो एक बार को मैं छोड़ कर आ जाती हूँ, बच्चों को मैंने आज तक अभी भी अकेला कहीं नहीं छोड़ा है, जहाँ जाती हूँ साथ लेके जाती हूँ। बट अन्नू है तो सब अच्छे से संभाल ही लेंगे, इतना मुझे उन पे विश्वास है। और तो पहुँच गए हैं करनाल, और करनाल स्टेशन पे पहुँचे हैं अभी। अभी तो सफ़र बहुत बाकी है, बाकी जहाँ जा रही हूँ तो बने रहिए, आप लोगों को पता ही लग जाएगा एंड में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अब ये ना हो कि स्किप करो और एंड में पहुँचो, क्या पता मैं बीच में ही बता दूँ, तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी छोटी छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत 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 अच्छी होने वाली है। तो गाइस हालत देखो कितनी अच्छी हो रही है, बुरी वाली। और हम सब लेकर आ गए हैं अपने खाने पीने का सामान। यहाँ मेरी बहन बैठी है, उसे मैं दिखा नहीं सकती, मेरे मुंह से अपना बता। मम्मी लेटी है बड़े मजे से सब। चलो हाँ पी लेते हैं, आप भी खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए। टाइम हो रहा है कुछ 4:45 के लमसम का। A few moments later. बहुत थक गए हैं और अम्बाला आ गया है, और यहाँ आके हमने कोल्ड ड्रिंक लिए हैं, क्योंकि खाना खा के भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितनी गर्मी में ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लिए। पता नहीं आप लोगों तक आवाज़ जा रही है नहीं जा रही, बस सच में थक बहुत गए हैं ये बात है, क्योंकि गर्मी बहुत है। और जो ट्रेन है ना, हमने इसकी रिजर्वेशन करवा ली थी कल ही, लेकिन ट्रेन इतनी साफ नहीं है, पूरी ट्रेन जो है वो पूरी की पूरी इतनी गंदी हो रही है, मतलब सीट इतनी गंदी थी कि हमने खुद से क्लीन करके बैठे हैं। तो सरकार जी तक मेरी अपील पहुंचाओ और उनको दिखाओ कि ट्रेनें जो है वो आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं, इन्हें साफ कराओ, बस जल्दी से पहुंच जाए अपनी मंजिल पे और नहा के ना बड़ा चैन आएगा सच में। तो दोस्तों ये है आर्मी वालों की ट्रेन, और मतलब ट्रेन पीछे है, ये आगे से जा रही है, और ये उनका सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कि तोप है, उनका ट्रक है, उनकी जीप थी, कार थी, और ये ट्रेन है, मतलब काफ़ी कुछ था। और इसमें फ़ौजी लोग भी थे, फ़ौजी लोग का सामान भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कुछ जो शूट करा है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मास्क का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अपने जैसे मर्जी घूमो जो मर्जी करो, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, इसलिए मैं अकेले अकेले चल रही हूँ साइड बाय साइड में। और हमारी आगे चल रही है हमारी बहन,
जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकती। बस इतना देख लिया वही बहुत है। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था, और सीरियसली सफर बहुत लंबा था, और दिखाऊं तो रात हो गई है। चंदा मामा, तो चंदा मामा दिख रहे हैं बहुत ही प्यारे। रात हो गई, लंबा सफर था, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। बहुत बहुत बढ़िया। और बस अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, वहाँ तक के लिए हम ऑटो लेंगे। हालांकि यहाँ पे उसको ऑटो नहीं कहा जाता है, टेम्पू करके कुछ नाम है, वो लेंगे, है ना मासी? टेम्पू बोलते हैं यहाँ पे। चलिए घर पहुँच के आराम से बात करूंगी आप लोगों से। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो गाइस, ये है नेक्स्ट डे, और रात को हम लोग आ गए थे। व्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। सिस्टर के घर पर आए हैं, मासी की बेटी के यहाँ पे, और हम आए हैं, सबसे पहले बता दूँ मैं, पंजाब। और पंजाब में हम क्यों आए हैं, उसका एक रीज़न है कि मेरी जो थर्ड नंबर की मासी हैं वो टेरिस से गिर गई हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। ये जो शोल्डर होता है ये पूरा क्रैक हो चुका है, और जो ये कलाई होती है अपनी ये पूरी क्रैक हो चुकी है, तो उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। तो बस हम जितने भी लेडीज़ हैं, मतलब हमारे मासी, मैं, सिस्टर, तो बस हम लोग उन्हीं को ही देखने आए हैं, और आज देखेंगे और कल चले जाएंगे। तो अगर हॉस्पिटल में अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लिप लेना तो मैं लूँगी, नहीं तो मैं क्लिप नहीं लूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अगर कोई फ़ोटो वगैरह होगी तो मैं यहाँ कहाँ लगा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हॉस्पिटल जाने के बाद जो भी कुछ निर्भर होगा वो बाद में देखी जाएगी। तो बस थोड़ा सा मन उदास था, जो मैं आपसे कह रही थी मुझे कहीं जाना है, तो हम कल चले जाएंगे मॉर्निंग में। तो जितना भी होगा आप लोगों के लिए शूट जरूर करूंगी, वरना जो व्लॉग का एंड है मुझे भी नहीं पता डेली जाकर होगा या यहीं पर होगा। जैसा भी होगा कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिएगा, भगवान ऐसा दुश्मन के साथ भी ना करे जैसे मेरी मासी के साथ में हुआ, उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया अचानक से। तो चलिए सिस्टर के यहाँ पर हूँ, और अभी सब लोग बातें वगैरह कर रहे हैं, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों मिल लीजिए मेरी मौसी से, और ये हुआ हुआ है उनके कलाई का ऑपरेशन। यहाँ डली है रोड, सेम रोड मेरे अन्नों को भी डली है आज से दो ढाई साल पहले, उनको पीछे से कार वाला मार गया था, तो सेम रोड डली है, उनकी भी कलाई टूट गई थी। आप देखते भी होंगे उनके हाथ में हल्का सा आपको डिफेक्ट दिखता होगा, क्योंकि उनके हाथ में ना ऐसी रॉड डल चुकी है। ठीक है, तो मासी के एक तो ऑपरेशन हो चुका है, और एक आप ये कंधे की साइड देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी प्लेटें डलेंगी, क्योंकि कंधा बिल्कुल टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। ये तो बहुत ही मजबूती से डॉक्टर ने जोड़ के इनको रख रखा है। और मेरी मौसी को ना सच बताऊँ तो ये वाला हाथ का महसूस ही नहीं होता, वो कहती है मेरे को नहीं पता लगता है कि मेरे को एक हाथ है, मेरे को ऐसा महसूस होता है मेरा उल्टा हाथ है, सीधा वाला है नहीं, क्योंकि सीधे हाथ में ही चोट लगी है। तो बस डॉक्टर अब ऑपरेशन करेंगे इसका, शायद जिस दिन हमें आना था या फिर मंडे को, ऐसे करके इनका ऑपरेशन है। कहने को तो हम रुक जाते, मासी वैसे ही इतना गुस्सा कर रही थी कि मेरे एक हाथ में लगी है और तुम सारे आ गए, पागल हो, ये वो। फिर हमने कहा नहीं मौसी, बाद में तो बाद ही हो जाती है, और फिर सुन के कहाँ रहा जाता, उधर हम बेचैन रहते, वो भी नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए हम सारे ही आपको देखने आ गए। और ये हैं चारों बहनें, ये दो बहन और वो दो बहन पलंग पे जो बैठी हैं, ये चारों बहनें। तो सबसे बड़ी मेरी मम्मी है, फिर जिन्होंने पिंक कलर का सूट डाल रखा है वो हैं, फिर जिनके हाथ में लगी हैं थर्ड नंबर की हैं, और वो जो इन्होंने ग्रे सूट डाल रखा है वो फोर्थ नंबर की। इस तरीके से मेरी चार मासी हैं, और जो मेरे पीछे भाई बैठे हुए हैं ये मासी के बड़े वाले बेटे हैं, पंजाब वाली मासी के, जिनको हम देखने गए हैं। तो इन्होंने क्या है ना, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इनको भी नहीं पता था, ये भी अपने ड्यूटी गए हुए थे, तो इन्होंने जल्दबाजी में फ़ोन करके ये कह दिया कि छत से गिरी है मेरी मम्मा, जल्दी से आ जाओ। तो हम लोग एकदम घबरा गए थे, फिर हमें पता लगा फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे गिरी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, लेकिन बहुत ही ये तो बाल बाल बच गई। वहाँ पे इतना बड़ा एक पत्थर रखा था, वो तो अच्छा हुआ सर्वर वहाँ पे नहीं लगा, एक हाथ पे ही आके बीती है। मतलब बहुत दुख हो रहा था, और मौसी का थोड़ा सा खून बढ़ गया था, मौसी डांट तो रही थी क्यों आ गए दिल्ली से यहाँ मेरे एक हाथ को देख के, लेकिन जब तक हम नहीं आए थे तब तक वो रो रही थी, ऐसा उनका बच्चे बता रहे थे। लेकिन जब हम गए तो हमसे मिल के मौसी बहुत खुश हुई, और उनका खून सा भी बढ़ गया, थोड़ा होता है ना अपनों को देख के थोड़ी जान आ जाती है। और ये है मासी की बेटी, मतलब पीछे जो बैठे हैं वो बड़े बेटे हैं, फिर ये मासी की बेटी बीच में है, और फिर एक और बेटे हैं छोटे, वो घर पर हैं, मासा और छोटे वाले बेटे घर पर हैं,
क्योंकि घर पे मकान बन रहा है तो उसको भी नहीं छोड़ सकते खुला घर। और अब हम यहाँ पर इतनी दूर आए हैं तो मेरी मौसी ने बोला कि जब इतनी दूर आए हो तो मेरे पप्पा को भी देख लो। एक दिन आपको याद है जब मैं पप्पा आपको दिखा कर आई थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरी पंजाब वाली मासी की लड़की भी बप्पा जी को रखती है, पर मैं लुधियाना नहीं जा सकती, पर देखो बप्पा ने बुला लिया। और इधर मेरी मासी की बेटी अपना कर्म भी निभा रही है और धर्म दी, मतलब अपनी माँ को देख के हॉस्पिटल में कर्म निभा रही हैं और बप्पा को वो हर साल लाती हैं तो वो अपना धर्म भी निभा रही हैं। तो बस इसी के साथ हम उनके घर चले गए, फिर कहाँ मिलना होगा पता नहीं। बीच में कभी मौसियाँ वगैरह जाएंगी तो हम भी जाएंगे। और ये उनका प्यारा सा मंदिर है तो सोचा सब कुछ आपको दिखा दूँ, कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए। पंजाब आई हूँ ये आप लोगों को बता चुकी हूँ। और ये आप जो पीछे मकान देख रही हैं मेरी मौसी का मकान है, ये मकान बन रहा था और मेरी मौसी जो है ऊपर वाले फ्लोर में उन्होंने टाइल्स लगवा ली है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और अभी सीढ़ियों पे नहीं लगवाई है और नीचे भी नहीं लगवाई है, केवल अंदर वाले रूम में लगवाई है वहाँ पे। और ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से मेरी मौसी फिसल गई थी, मतलब यहाँ से उन्होंने कपड़े वॉश किए थे और कपड़े लेके वो डालकर मतलब कि वहाँ पे, और यहाँ से गीले पैर जैसे चलते हैं ना, यहाँ से फिसली थी मेरी मौसी और इधर से निकलते हैं ना वो नीचे गिर गई थी, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है। तो उनको जो है ये आपने देख ही लिया, मतलब उनका शोल्डर वगैरह पूरा पूरा चकनाचूर हो चुका है। मेरी इस वाली मासी का भी मकान बन रहा है और जहाँ पे मैं कल रात को अपनी बहन के यहाँ गई थी हॉस्पिटल से, उनका भी मकान बन रहा है और वो इन्हीं मासी की बेटी भी है। और आज है हमें यहाँ पे दूसरा दिन, तो हम जा रहे हैं दूसरा तीसरा, एक दिन हम आए थे, एक कल हम मौसी को देखने हॉस्पिटल गए थे और आज थर्ड डे लगा लो, आज हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। तो आप समझ गए वहाँ से मेरी मौसी यहाँ गिरी थी, जहाँ पे चेयर है यहाँ गिरी थी वो। और हम सब रेडी हैं जाने जैसे, बाय हाय सॉरी। अरे चारू ये इन वाली मासी की बेटी है, दूसरी वाली बेटी, और जो बड़ी वाली है जो कैमरे पे शाय फील करती है तो वो नहीं आती है, वो बड़ी वाली है। और ये छोटी वाली है चारू, ये भी पंजाब रहती है। हाँ तो चलिए अब हमारी पैकिंग हो गई है, हम जा रहे हैं वापस दिल्ली और मिलते हैं अब दिल्ली या फिर ट्रेन में। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे घर के बाहर टेम्पो आ चुका है। जी हाँ, इसको ही पंजाब में टेम्पो कहते हैं और दिल्ली में इसी को ही ऑटो कहा जाता है। तो कौन कौन मेरे को पंजाब से देखता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बेहद पसंद है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक पे जो पीछे आ रहे हैं यही मेरे मासा जी हैं और ये हमेशा हमको छोड़ने स्टेशन तक हमेशा ऐसे आते हैं। अगर ये किसी काम में बिजी होते हैं या किसी कारणवश ही नहीं आ पाते हैं तो इनका बड़े वाला बेटा हमको ज़रूर से छोड़ने आता है। तो बस मन तो बहुत दुखी है, जाने का भी मन नहीं है, लेकिन क्या करें, आजकल की लाइफ सबकी बिजी है, कोई किसी काम में बिजी है, कोई किसी काम में बिजी है और सभी लोग अपने बच्चों को छोड़कर भी आए थे। तो मतलब घर तो वापस जाना था आज नहीं तो कल। और फिर मासी ने भी कहा कि बीच में कभी आ जाना, अभी आप लोग चले जाओ, तो हमने बस यही सोच के निकल लिया। और हमारी रिजर्वेशन जो थी वो हमारी आने जाने की थी और ये लुधियाना का स्टेशन है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कौन कौन लुधियाना में रहता है, प्लीज़ मैं बार बार ही कह रही हूँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मासा जी ने हमें ट्रेन में बिठाकर वो भी घर के लिए निकल लिए थे, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल टाइम था 11:10 और 11:10 पे ही चल पड़ी है। अभी हम लुधियाने में ही हैं, 5 मिनट भी नहीं हुए अभी हमारी ट्रेन को चले हुए, तो मैंने सोचा आपको नज़ारा दिखा दूँ, स्टेशन तो दिखा दिया थोड़ा नज़ारा दिखा दूँ, नज़ारा। और सब बैठे हैं यहाँ पे, मासी हैं सभी, और ये वाली ट्रेन बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छी है, बहुत बच्चे भी वहाँ आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से मस्त होकर खुले खुले बैठ के जा रहे हैं इसमें हम। बहुत आवाज़ आ रही है या वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये व्यू आपको कितना प्यारा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सूरज ढलते हुए का ना व्यू सच में बहुत प्यारा होता है। अब बस थोड़ी ही देर में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि आई थिंक ये सोनीपत है जहां का मैं शूट ले रही हूं घर वापस जाते टाइम का। और बस थोड़ी सी देर में अपने दिल्ली पहुँच जाएंगे। और आज है गणपति विसर्जन, तो सब लोग अपने अपने गणपति जी को विसर्जन करने जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और अन्नु मेरे को जो है स्टेशन पर ही मिल गए थे। अगर आपको ये व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, बाय।